गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. ओके, लास्ट की क्लास में अपन ने कौन से चैप्टर की स्टडी की थी, कौन सी एक्सरसाइज की थी अपन ने लास्ट क्लास में? देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो आपके नंबर्स है. सर आवाज कम आ रही है. यस सर, आवाज कम आ रही है. आवाज कम आ रही है? आवाज नहीं आ रही. देखो, एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो नंबर्स है उस नंबर्स को आपने रीड किया है और फिर उनको रिटर्न किया है आपने. और टू पार्ट में, एक तो है आपका नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम है और एक है आपका इंडियन सिस्टम है. इंडियन सिस्टम में जो नंबर सिस्टम है वो कौन कौन है? सबसे पहले आपका वंस, टेंस और 100, फिर उसके बाद में 1000, 10,000, फिर नेक्स्ट लेक और 10 लेक, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब. तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया था, इंडियन सिस्टम में स्टडी की. और जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हुआ, वंस 100, वंस 10 और 100 दोनों में सेम है, लेकिन उसमें 1000, 10,000 और मिली 100,000, 1000, 10,000 और 100,000, फिर उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसके बारे में स्टडी की थी. फिर आपका जो नंबर्स है उन नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना. ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करेंगे कि नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर. आज अपन किसकी बात करेंगे, राउंड ऑफ नंबर. जो नंबर गिवन है उनको राउंड फिगर में क्या लिखते हैं, राउंड ऑफ नंबर. इसका मतलब होगा कि जो नंबर्स आपको गिवन है उनको एक राउंड के रूप में लिखना है. अब राउंड के रूप में लिखने के लिए एक तो है 10 के मल्टीपल के रूप में. किसके मल्टीपल के रूप में? 10 के मल्टीपल के रूप में लिखना है. सेकंड है 100 के मल्टीपल के रूप में. अब बताऊंगा मैं आपको, एक तो है 10 के मल्टीपल की 10 की पावर n के मल्टीपल के रूप, 10 की पावर n के रूप में. एक है 100 की पावर n के, एक है आपका 1000 की पावर n के नियरेस्ट या राउंड ऑफ नंबर कैसे नोट करते हैं. सबसे पहले पर किसकी बात करेंगे, 10 की पावर n, 10 की पावर n या 10 के नियरेस्ट, 10 के नियरेस्ट नंबर कैसे, या 10 का मल्टीप्लाई.
टेन का मल्टीप्लाई, हंड्रेड का मल्टीप्लाई या फिर थाउजेंड का मल्टीप्लाई। अब जैसे आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये है कि जो इलेवन है ये इलेवन किसके पास में है, किसके नियरेस्ट है, तो एक तो है आपका टेन और एक है आपका ट्वेंटी, तो टेन का मल्टीपल क्या हो गया ट्वेंटी। तो ये जो नंबर है ये किसके नियरेस्ट है, टेन के नियरेस्ट है या फिर ट्वेंटी के नियरेस्ट है, तो ये नंबर किसके नियरेस्ट है, टेन के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है टेन के। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इलेवन है इलेवन को राउंड ऑफ नंबर में नोट करना है, जो इलेवन है उस इलेवन को राउंड ऑफ नंबर में क्या करना है, इसको नोट करना है। तो इलेवन का राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा टेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्टीन, इस थर्टीन का नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा, थर्टीन किसके पास में है, टेन के पास में है या फिर ट्वेंटी के पास में है। तो देखो टेन से कितना है ये थ्री और ट्वेंटी से कितना है ये सेवन, तो किसके नियरेस्ट है ये हंड्रेड के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है ओनली टेन के नियरेस्ट है। तो आपको मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं, टेन के मल्टीपल के नियरेस्ट, टेन के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर कौन कौन से हैं। अब टेन के मल्टीपल कैसे हैं, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी और नाइन्टी और ये है आपका हंड्रेड। तो सबसे पहले टेन के मल्टीपल के नियरेस्ट है, टेन के मल्टीपल के नियरेस्ट कैसे है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका 47। अब ये जो 47 है, अब 10 का मल्टीपल, इसका मतलब आपको केवल करना क्या है कि ये जो नंबर है ये एक तो 40 से लेकर के और 50 के बीच में है। 10 का मल्टीपल ये होगा कि लास्ट में ओनली 10, लास्ट में ओनली 10 10 का मल्टीपल। तो बताओ एक बार ये जो नंबर है इस 40 के नियरेस्ट है या फिर 50 के नियरेस्ट है। तो ये जो नंबर 47 लिखा हुआ है ये नंबर किसके नियरेस्ट है, 47 के 50 के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है 50 के नियरेस्ट है। तो इस नंबर का कौन, किस नंबर का 47 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा 50, क्या होगा 50। तो आपको क्वेश्चन में ये देगा कि इसका राउंड ऑफ नंबर नोट कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 69। अब ये 69 किसके बीच में है, ये 69 60 और 70 के बीच में है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये 69 किसके पास में है, 17 के पास में है या 60 के पास में है, तो किसके पास में है 70 के पास में है। तो ये जो 60 है 69 है वो किसका नियरेस्ट है, 70 का क्या है नियरेस्ट है। 84 किसके नियरेस्ट है, 80 के नियरेस्ट है या फिर 90 के नियरेस्ट है। तो ये 84 किसके नियरेस्ट है, 80 के नियरेस्ट है। तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका 10 का 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर, 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर। तो 10 के मल्टीपल में कौन कौन है और 10 के मल्टीपल नियरेस्ट नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो राउंड ऑफ नंबर है कौन से नंबर है, राउंड ऑफ नंबर। तो राउंड ऑफ नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में 100 के मल्टीपल के देखेंगे और फिर उसके बाद में 1000 के मल्टीपल के देखेंगे। तो सबसे पहले किसके लिए, 10 ऑफ मल्टीपल, 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट, नियरेस्ट नंबर, 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर। और 10 का मल्टीपल कौन कौन है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और ये आपका 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 46, इस 46 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है, नियरेस्ट या फिर राउंड ऑफ नंबर कौन सा है। तो 46 किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है। तो इस 46 इस 46 का, तो 46 का राउंड ऑफ नंबर
राउंड ऑफ नंबर, राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 50 होगा. 93 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 90. इस 93 को अपन एस्टिमेट में क्या नोट कर सकते हैं? 90. क्या हो गया ये आपका? ये 93 का नियरेस्ट या राउंड ऑफ नंबर. ठीक है, नेक्स्ट 67 का राउंड ऑफ नंबर, और वो भी किसके मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट है. तो 67 किसके नियरेस्ट है? 70 के. तो इस 67 का राउंड ऑफ नंबर कौन सा हो गया? 70. तो ये तो हो गया किसके एग्जांपल है? 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर. अब है 100 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर. 100 के मल्टीपल के नियरेस्ट नंबर. अब 100 के मल्टीपल के नियरेस्ट कैसे हैं? अब 100 का मल्टीपल क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और ये क्या जाएगा आपका? 1000. अब आपको लास्ट के टू डिजिट देखने हैं. इसमें ओनली केवल आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट डिजिट देख रहे हैं, लास्ट के ओनली वन डिजिट देख रहे हैं. अब देखो एग्जांपल इसका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 137. अब ये 137 आपको ये चेक करना है 100 के नियरेस्ट है या फिर 200 के नियरेस्ट है, क्योंकि 37 किसके बीच में है? बिटवीन 100 टू 200 के बीच में है. लेकिन किसके नियरेस्ट है? तो 137 किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 137 के बाद 150 आएगा, तो 150 से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल है कि ये 100 और 200, लेकिन यहाँ पे कम किससे? 150 से कम है. तो जब 150 से कम नंबर होते हैं तो वो किसके नियरेस्ट आएंगे? 100 के नियरेस्ट आएंगे. और 150 से अब होते हैं तो वो नंबर किसके नियरेस्ट आएंगे? किसके? 200 के. तो ये जो नंबर गिवन है 137, ये 137 किसके मल्टीपल में देख रहा हूँ मैं आपको? 100 के नियरेस्ट देख रहा हूँ मैं. तो ये जो नंबर है 100 के नियरेस्ट है. किसके नियरेस्ट है? 100 के. तो 137 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 100. नेक्स्ट एग्जांपल 162. ये इस नंबर का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 200. क्यों? क्योंकि ये 162 किसके नियरेस्ट है? 200 के नियरेस्ट है. तो यही क्या होगा इस नंबर का राउंड ऑफ नंबर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 289. तो इस 289 का नियरेस्ट यानी राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 289 किसके बीच में है? 200 से लेकर के 300 के बीच में है. तो बताओ ये नंबर है किसके नियरेस्ट है? सर 300. किसके नियरेस्ट है ये नंबर? सर 300. तो यहाँ से 289 का राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 300. नेक्स्ट एग्जांपल 666. बताओ यहाँ से 666 ये किसके नियरेस्ट है? तो इस नंबर का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? सर 700. वेरी गुड. क्या होगा इसका राउंड ऑफ नंबर? 700. क्यों? क्योंकि ये आपका 6600 से 700 के बीच में है, लेकिन ये नंबर किसके नियरेस्ट है? 700 के नियरेस्ट है. तो इस 666 का ये राउंड ऑफ नंबर हो गया. अब सुनो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन ये है कि उनका राउंड ऑफ नंबर करके आपको उनका क्या करना है? प्लस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे क्वेश्चन में ये है 46 प्लस 93, इन दोनों का राउंड ऑफ नंबर करके आपको एस्टिमेट क्या करना है? टोटल करना है एस्टिमेट तरीके से. बताओ सबसे पहले इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? इसका अब राउंड ऑफ नंबर यानी 10 के मल्टीपल में देखना है, तो इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा?
सर 50। इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? इसका राउंड सर 90। 90 सर 90। तो अब इन दोनों क्या करोगे? प्लस करोगे। दोनों क्या करोगे? प्लस। तो यहाँ पे 50 प्लस 90 कितना हुआ आपका? 140। तो आपको इस प्रकार से राउंड ऑफ नंबर, यानी आपको उसको राउंड में लिखना है और फिर उनको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर गिवन है उनको राउंड में लिखना है और फिर उनको प्लस करना है, उन्हीं को सेपरेट करना है और उन्हीं को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? तो चित्रा ये विपुल बेटा ये अपना माइक ऑफ करे, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक तो है आपका 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट और एक कौन सा है आपका 100 के मल्टीपल के नियरेस्ट। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मेरे को आंसर देगा। कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 63, इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 63 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? चित्रा 63 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? किसके नियरेस्ट है ये? 60 के नियरेस्ट है या फिर 70 के नियरेस्ट है? किसके नियरेस्ट है ये? हर्षिता, हर्षिता किसके नियरेस्ट है? 70। ये 63 किसके नियरेस्ट है? 60 के नियरेस्ट है या फिर 70 के नियरेस्ट है? सर 60 के। 60 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है? 60 के नियरेस्ट है। तो इस 63 का राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल 729। अब आपको क्या करना है? राउंड ऑफ नंबर लिखना है। किसका? 729 का राउंड ऑफ नंबर लिखना है। तो बताओ ये जो 729 है ये किसके नियरेस्ट है? सर 700 के। 700 क्यों? क्योंकि अब अपने को क्या देखना है? 100 के मल्टीपल के नियरेस्ट देखना है। किसके मल्टीपल देखना है? 100 के मल्टीपल नियरेस्ट देखना है। तो देखो यहाँ से ये 700 है और ये क्या आपका 800, इसके बीच में ये नंबर है। तो अब ये नंबर किसके नियरेस्ट है? 700 के नियरेस्ट है। तो इसका 729 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 700। क्या होगा? 700। नेक्स्ट एग्जांपल 946। ये नंबर है, इस नंबर का नियरेस्ट नंबर क्या होगा या राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? सर 900। क्यों? क्योंकि 50 से क्या है ये लेस है, यहाँ पर 5 से लेस है तो 60। अगर 5, अगर ये 5 से, ये जो लास्ट की डिजिट है ये किससे लेस है? 5 से लेस है तो इसका मतलब 60। अगर 5 से अबव होती, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 67 है, तो ये लास्ट की यूनिट है, लास्ट की जो डिजिट है ये 5 से क्या है? ग्रेटर है, तो इसका मतलब आगे वाले नंबर के पास में होगी। अगर 5 से लेस है तो पीछे वाले नंबर की क्या होगी? नियरेस्ट होगी। जैसे यहाँ पे लास्ट की दोनों डिजिट है, ये लास्ट की दोनों डिजिट किसके, किससे स्मॉलेस्ट है? 50 से स्मॉलेस्ट है तो अपन पीछे के नियरेस्ट को देखेंगे, और अगर 50 से अबव है तो उसके आगे वाले नियरेस्ट नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ से ये नंबर क्या है? 46 है। 50 से लेस है, इसका मतलब क्या हुआ? 900। ये क्या हो गया इसका राउंड ऑफ नंबर। अब क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि 467 प्लस 923। अब आपको क्या करना है? इनको एस्टिमेट तरीके से, कौन से पैटर्न से? एस्टिमेट पैटर्न से आपको क्या करना है? इनको प्लस करना है। अब प्लस कैसे करोगे? एस्टिमेट, ओनली राउंड ऑफ नंबर लिख करके क्या करना है? इनको प्लस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनका राउंड ऑफ नंबर लिखूंगा। अब बताओ इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 500। क्या होगा? 500। और इसका नियरेस्ट, यानी इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 900। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे को?
प्लस करना है तो कितना गया ये 1400, ये हो गया इन दोनों का टोटल। कौन से पैटर्न से है? एस्टिमेट पैटर्न से। कौन से पैटर्न से है ये आपका? एस्टिमेट पैटर्न से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 469 + 234 + 875। अब आपको क्या करना है, इनके राउंड ऑफ नंबर नोट करने हैं और उनको क्या करना है, एस्टिमेट पैटर्न से क्या करना है, उनको प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनके राउंड ऑफ नंबर नोट करने हैं। बताओ इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 400 क्या होगा? 500। और इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 200 प्लस 200। और इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा सर? 900। 900। और इन सबको क्या कर दोगे? प्लस करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राउंड ऑफ नंबर लिखना होगा और फिर उनको क्या करना होगा, प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लाई। अब छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे है 769 को मल्टीप्लाई करना है, 769 को मल्टीप्लाई करना है, 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये चेक करना है, पहले इसका राउंड ऑफ नंबर नोट करना है और फिर इसका राउंड ऑफ नंबर नोट करना है। तो इसका राउंड ऑफ नंबर क्या हुआ? 800। और इसका राउंड ऑफ नंबर क्या हुआ? 20। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। 0 0 0 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 16। तो ये हो गया इनका मल्टीप्लाई, किनका? 769 का और 23 का मल्टीप्लाई। कब है? आपने पहले इनको राउंड में लिखा और राउंड में लिखकर बाद में क्या किया, आपने इनको मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर गिवन है उनको राउंड ऑफ नंबर में नोट करना है कि नंबर किसके नियरेस्ट है, और फिर उनको प्लस करना है या सेपरेट करना है या फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार सभी अपना वीडियो फटाफट से ऑन करें और मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाएं सभी सभी ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें और एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसको फटाफट से करें। 796 minus 314। सबसे पहले क्या करना है, इनके राउंड ऑफ नंबर नोट करने हैं और फिर उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फटाफट जल्दी से इनको भी पहले राउंड ऑफ में लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। फटाफट जल्दी से निकिता राठौड़ बेटा आपका वीडियो ऑन नहीं है, अपनी नोटबुक सामने रखो एक बार, अपनी नोटबुक सामने रखो एक बार, फटाफट जल्दी से करो। सर साइड हो ना, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा सर? इसका सर 800। और इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 300। इसको सेपरेट करो कितना आ गया? 500। ठीक है, इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा इस नंबर का? इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 600। और इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 200। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका